पहली बार इतनी मनुक लौंडे बैठा है, मैं तो गाड़ी में कल्लो पल्लो घूम ही गया भाई, क्या मैं फौसी पे लटक के मर जाऊंगा और छोड़ के चलेगी, दुखी हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। उनके लिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा हिट हुआ वो कौन सा डायलॉग है? डायलॉग है लड़की के ऊपर, मतलब लड़की के ऊपर ना वैसा बनाया वो कि कोई भी लड़की मैच कर जाएगी। मेरे भाई बाकी हाइट ही छोटी है, मैं करे बहुत भाई। अपने पार्टनर के साथ बकचोदी के भारव ना करे, कमोन बेबी। इंसान से आप प्यार करते हो ना, उस इंसान के सामने ये दो चीज बिल्कुल भी मत करना। एक तो मैं बताऊं तेरे अपने मुंह पे, एक वो जो तुम बाहर भाईचारा बना रहे हो ना, ये भाईचारा कौन ना आएगा, चार से पांच की कौन आएगा प्रत्येक में करती है कट कट कट, गलत होगा बोलना, क्या था बोल क्या दिया, कट करना भाई। भैया मोमोज वाले में छोटी वाली वो नहीं दी, तो नैन्सी ने अपना दिमाग दिखाया, ये तो पलट दी यहाँ पे पन्नी पर, या मैं चटनी कर ली। नैन्सी हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सभी के, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है पहले दे बताओ, तुम्हारे भाई ने आज नई पहली टी शर्ट भी मैं सेक्टर 37 ग्रेटर नोएडा। तो यहाँ पे एक गैल की लड़की रहती है, लड़की नहीं है, उसको तुमको दिखाऊंगा कौन है। और डेली की अपना जिम चली रही है, जिम की भी एक दो क्लिप डाल देंगे इसमें, शूटिंग क्लिप डाल देंगे, बाकी अब रेगुलर काम करेंगे। बहुत वेट कर लिया आपने, बहुत इंतज़ार कर लिया आपने रचित भाटी का, किसी कंडीशन की वजह से ब्लॉग व्लॉग नहीं आ पाते थे, अब आए करेंगे, वीडियो भी आएंगी, रील भी आएंगी, और नई नई गोपियाँ ने घुमाऊँ किसी एक के पीछे नहीं पड़ना, दुनिया घुमानी है, ठीक है। चलो बने रहो, जब तक लड़की आती है मैं इतना गाड़ी ठंडी कर लेता हूँ अपनी, और मैं भी थोड़ा कूल सो जाता हूँ, बाल बाल सेट कर लेता हूँ। ओके बाय, लव यू ऑल। भाई लड़की आ ली, हाय हाय, पप पटोला नखराए स्वैग, टॉप तेरा काला, चुन्नी तेरी ब्लैक, खोलो मत ना गेट, खड़ी रहते थोड़ी देर यार। हाँ अरे किसकी लंडी आयु चल खोल देते, आ जा आ जा, जा। ए पटोला क्या हाल चाल, अच्छी लग रही है ना बाल को, बताओ सबसे ज्यादा कौन मलुक लग रहा है कमेंट करके बता दो, आपका रचित भाटी। तो गाइस मैं इससे मिला दूं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है नैन्सी। हेलो, हेलो तो कर दे गाइस अंदर। हेलो हेलो, तो गाइस अब नैन्सी हम कहाँ जा रहा है ये बताओ पहले, शूट कहाँ पे है? परी चौक के आसपास है। परी चौक क्या, कितनी मलुक लग रही है देखियो, पहली बार इतनी मलुक लौंडे बैठा है, मैं तो गाड़ी में कल्लो पल्लो घूम ही गया देख शर्मा आ रही है लौंडिया। तो गाइस शूटिंग पे जा रहे हैं, अब टीम आने वाली थोड़ी बहुत देर में, मिलते हैं शूट पे। A few moments later. टॉप ऑर्डर लेता हूं, ठंड लग रही है, एसी चल रहा है ना, तो तुम्हारा भाई अब एक न्यू कंटेंट लेकर आया है, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई दिमाग में वो लड़की भर रही है, फिर कोई इंसान छोड़ के चला गया वो भर रहा है, मूव ऑन नहीं हो रहा, मूव ऑन कराएंगे एक एक का, ठीक है, जैसे अपना कराएं, और टूटे दिलों की आवाज़ बनेंगे। जो भाई कह मैं फौसी पे लटक के मर जाऊंगा और छोड़ के चलेगी, दुखी हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, उनके लिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं, बाकी बने रहो चैनल पर, ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने को आपको बराबर मिलती रहेंगी। बैठी टीम, ठीक है गाइस, चल रही थी करा कौन चालू भाई, वो क्यों क्या डिलीट होगी, मैं दोबारा चेक करी घी नवा मैं, चल कर दो चालू, कर दो चलो कर दो, ठीक। रिलेशनशिप में कभी भी ये दो गलती बिल्कुल भी ना करें, पहली अपने पार्टनर के साथ बकचोदी के भारव ना करें, कमोन बेबी। इंसान से आप प्यार करते हो ना, उस इंसान के सामने ये दो चीज़ बिल्कुल भी मत करना, पहली तो मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ, मर जाऊँगा, और ये सब चीज़ उसको तो फेस कर दोगे ना आप, दिखा दोगे कि भाई ये इंसान मेरे बिना कुछ भी नहीं है, तो उस दिन वो इंसान इतना पावरफुल हो जाएगा कि यार ये तो मेरे हाथ में है, जैसा चाहूँ इसको वैसे मैं चला सकता हूँ, वैसे इसके साथ कर सकता हूँ, तो सोचो आपका कटना स्टार्ट हो जाएगा। अपने पार्टनर के साथ रोना धोना और ये फील कराना बंद कर दो कि मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि जैसे आपने बताया कि भाई मेरी बंदी ने अचानक ही मेरे से बात करनी बंद कर दी, कभी नहीं हो सकता। लड़की हमेशा ब्रेकअप करने से पहले अपना बैकअप बना लेती है, और वो पिछले 2 महीने से किसी ना किसी से ज़रूर बातें कर रही होगी, किसी ना किसी के टच में ज़रूर होगी,
और जब उसको लगा कि मैं तुझे छोड़ सकती हूँ और इस पर डिपेंड हूँ, तब जाके लड़की मूव ऑन करती है। कट कट कट, गलत होगा बोलना, क्या था बोल क्या दिया, कट करना भाई, हिल जाएगी। क्योंकि जब लड़की को ये पता चल जाता है ना कि हाँ ये मेरे से इतना प्यार करता है और ये मेरे बिना नहीं रह सकता, तो वहाँ चीट होना चालू हो जाता है रिलेशनशिप में। तो कभी भी भूल के भी ये गलती ना करें, कट। एक गर्लफ्रेंड एक ऐसी चीज़ होती है, उसके लिए आप कितना भी कुछ कर लो, उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं समझती। सपोज़ डैट आपने अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट दिया और आपने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा, तो उसके जो फेस रिएक्शन होंगे ना वो कुछ इस तरीके से होंगे, हाँ ठीक ठीक है, अच्छा है। और वही सेम चीज़ आप अपनी मम्मी के साथ देखोगे ना, बस 500 रुपये का एक सूट गिफ्ट करके देख लेना, मम्मी के जो फेस रिएक्शन होंगे और एक चेहरे पे चमक और खुशी होगी ना, वो देखने दिखाने लायक होगी। और जब जब वो सूट को पहनेगी, पड़ोसियों से तुम्हारी तारीफ करेगी। वो छपरी थी, उसको एक छपरी मिल चुका है, इस बात को अपने दिमाग में बढ़ा ले मेरे भाई। तुझे प्यार अब उससे करना है जो तेरे साथ सात फेरे घेर के तेरे घर आए, वो तेरी है इस जिंदगी में। तो गाइस, दो तीन रील हमने बना ली, तो अब तुम्हें एक लड़के से मिलवाता हूँ जिसका नाम है विशाल। विशाल जी इधर देखिए। तो गाइस, इस लड़के के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ, ये वीडियो बनाता है बोल के। अपना फेवरेट डायलॉग बता, फेवरेट नहीं, जो सबसे ज्यादा हिट हुआ वो कौन सा डायलॉग है? मेरा एक डायलॉग है लड़की के ऊपर, मतलब लड़की के ऊपर ना वैसा बनाया वो कि कोई भी लड़की मैच कर जाएगी कि मेरे भाई वाकी हाइट ही छोटी है, नखरे बहुत बड़े हैं वाकी। तो सुनो ना भाई, यहाँ पे रील है 40-50 हज़ार, 4-5 मिलियन है। अब जो जिस किसी ने मेरा ऑडियो ले लिया हो वाकई पे 7 मिलियन है, वाकई भी 50-60 हज़ार रील है, मतलब वो टोटली है 1-2 लाख रील है और 50-60 मिलियन में। जैसा डायलॉग कि भाई वाकई हाइट ही छोटी है, नखरे बहुत बड़े हैं आगे। अच्छा, ये सच बात है? ये सच है, मतलब बना दिया हम, पता ही ऑडियो रिलेट करेंगे, बना दिया। दूसरी साइड हमारे हैं जी, ये ऋतिक भाई है हमारे, इनको भी एक पॉइंट फेमस हुआ। हाँ भैया, अपना डायलॉग बताओ, तुम कौन सा वाला फेमस है सबसे ज्यादा? मेरे डायलॉग ही भाई, एक तो मैंने सुना, मैं तो भाई तुम्हारे पीछे हूं यार, मैं तुम्हारे पीछे को पीछे नहीं है, ये तो भैया सेटअप लगा रखा है हमने। मैं कह रहा था भाई, फेवरेट डायलॉग, सॉरी फेवरेट नहीं, हिट कौन सा है? एक तो मैं बताऊं पहले अपने मुंह, एक वो जो तुम बाहर भाईचारा बना रहे हो ना, ये भाईचारा कौन ना आए, वो चाचा ताऊ की कौम आगे बताइए। 302 पहले वहां बता, चाचा ताऊ की कौम कैसे मारे हुआ डायलॉग वहां बता, वो याद ही ना याद ही ना याद अब रात के बज रहे हैं 8 और हमारी नैन्सी कर गई शूट। तो नैन्सी कैसा रहा, फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा है? गाना भाई गुजर को कर गई है लड़की शूट, अच्छा रहा? टीम कैसी थी मेरी? अच्छी थी। कोई ऐसा फील कि हाँ भाई गलत नजर से कोई देख रहा है या फिर कुछ? अच्छे थे ना। अब ये बता सबसे पहले क्या खाई थी? पेट में दर्द हो रहा है मैंने सुना है जैसे। अरे यार, ले मार भड़का। इस मैं और नैन्सी आए हैं मोमोज खाने के लिए मिक्सन सोसाइटी। तो नैन्सी मोमोज खाएगी ना? और ओ बेटे कोक पिएगी? चल नैन्सी को कोक पिया दे, चल गाड़ी लगा लेता हूँ नैन्सी पहले ना। ओके, अब मैं नैन्सी तुम्हें ज़्यादातर दिखे करेंगे वीडियो में भाई, तो लड़की पसंद आ रही हो तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है? वैसे पसंद है, दूसरे तरीका से पसंद कह रहा हूँ भाई मैं, कभी गलत ले जाओ तुम। नैन्सी कौन लगाऊँ? उधर लगाओ भैया, मोमोज वाले ने छोटी वाली वो नहीं दी, तो नैन्सी ने अपना दिमाग दिखाया, ये तो पलट दी यहाँ पर पन्नी पर, या मैं चटनी कर ली। नैन्सी चल तो खा, सही बताइए कैसे ग्रेट नाटक मोमोज तगड़े हैं? चल तो मैं अभी खा कर देख लेता हूँ। फेवरेट मतलब ये हो कि सबसे ज्यादा फेमस है। बढ़िया, पेप्सी खोल ले। A few moments later.
मैं जिम से आके नहा धो लिया एकदम, और अब ब्रेकफास्ट मम्मी ने रेडी कर दिया। ब्रेकफास्ट क्या, प्रोटीन तो मैंने पी ली, वो मैं भूल गया यार ब्लॉग में दिखाना। बाकी जो मैं फ्रूट वगैरह खाऊंगा, जो भी खाऊंगा वो आपको दिखाऊंगा ब्लॉग में, और उसके बाद आज पूरे दिन का खाना पीना दिखाऊंगा, मतलब जिम के बाद मैं क्या खा रहा हूँ क्या पी रहा हूँ वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो गाइस ये है अब मेरा ब्रेकफास्ट, एप्पल, नाशपाती और थोड़े से इसमें अनार और एक बनाना। बनाना दो थी मैंने हटा दी, ठीक है। बाकी डेली की डाइट यही है, अब ये खा के मैं निकलूँगा सीधा ऑफिस के लिए। मैं तो रूम में ही ले आया अपना खाना, तो पहले खाएंगे एक चम्मच अनार। मीठे